Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ में सरकार में मंत्री रहे थे तब, चाहे जब भाजपा को असहज किया था, फिर सपा के साथ गठबंधन किया तो अखिलेश यादव की खरी नसीहत देने से नहीं चुके। इसके बावजूद यदि ओम प्रकाश राजभर को सहा जाता रहा तो पूर्वांचल की कुछ सीटों पर उनके या कहें कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो है वो प्रभाव खत्म हो जाएगा। अब वह सपा के साथ भी झटक कर, मतलब समाजवादी पार्टी का हाथ झटक कर फिर मैदान में नए दोस्त की तलाश में खड़े हैं। उनकी पार्टी में ही बगावत हो गई है। प्रकाश राजभर के जिस तरीके से लगातार चुनाव लड़े थे अखिलेश यादव के साथ, उसके बाद उन्होंने बगावत कर लिया और अब उनके ही पार्टी में बड़ी फूट हो गई है। राजनीति दाव पेच खेले, इसलिए माना जा रहा है कि भाजपा के बागियों के सहारे विरोधी दल, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी, ओम प्रकाश की ताकत में सेंध लगाकर पूर्वांचल की बाजी अपने हिसाब से सजा सकती है। दरअसल बात करें तो सुभाषपा के राष्ट्रीय जो उपाध्यक्ष थे महेंद्र राजभर ने ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ओम प्रकाश के साथ मिलकर लगभग 2 दशक पहले सुभाषपा बनाने वाले पदाधिकारियों में से कई ने त्याग पत्र दे दिया है। गौर करने बात यह है कि महेंद्र के गंभीर आरोप के बावजूद भी ओम प्रकाश राजभर चुप्पी साधे हुए हैं और अंदर खाने में प्रयास डैमेज कंट्रोल यानी कि मान मनोबल के चल रहे हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ लोकसभा चुनाव के लिए ओम प्रकाश नया ठिकाना तलाश रहे हैं। इस बीच बगावत से यह प्रश्न भी खड़ा हो गया है कि सुभाषपा के लिए यह बागी किसके साथ जाएंगे। जानकार मान रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश के पास शांति दूत भेजती रही भाजपा अब इस फूट का सहारा लेकर उन्हें समझौते की मेज पर कमजोर कर सकती है। ओम प्रकाश भाजपा के साथ नहीं आते हैं तो सुभाषपा के बागियों का भाजपा के साथ लगभग जाना तय माना जा रहा है। और इसके पीछे तर्क यह है कि महेंद्र और उनके साथियों ने ओम प्रकाश पर बाहुबली माफिया मुख्तार से गहरे संबंधों का आरोप लगा दिया है। पार्टी से विधायक मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को संरक्षण देने का आरोप लगाया है तो इस अंदाज के साथ बागी नेता समाजवादी पार्टी के जाने से रहे, यानी कि जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं मुख्तार अंसारी पर, तो वो नेता ऑब्वियसली समाजवादी पार्टी में नहीं जाएंगे जबकि भाजपा को यह पच जाएगा। वहीं बात करें तो उन्हें साथ लेकर भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए पूर्वांचल में पिछड़ी जातियों में अपने समीकरण मजबूत कर सपा के लिए बड़ी चुनौती बढ़ा सकती है। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर के पास कांग्रेस के अतिरिक्त कोई विकल्प मजबूत जो है वो नजर नहीं आ रहा है। 4 मंडलों में प्रभाव है। वहीं बात करें तो सुभाषपा की पकड़ पूर्वांचल की वाराणसी, देवीपटन, गोरखपुर और आजमगढ़ मंडल में है। बस्सी, आरक, रघुवंशी, खरवार, कश्यपाल, प्रजापति, बिंद, खंजारा, बारी, बिहार, विश्वकर्मा, नाई और पासवान जैसी उपजातियों के मतदाताओं पर राजभर का प्रभाव माना जाता है। राजभर मतदाता लगभग 18% जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग में इनकी भागीदारी करीब 4% है। और इस तरीके से लगातार बगावत होती रही तो कहा जाता है कि न घर का हुए न घाट का। ओम प्रकाश को 2022 में बड़ा झटका लग सकता है और इसका सबसे बड़ा फायदा अगर कोई उठाएगी तो छोटे छोटे पार्टियों को तोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.